पुलिस चौकी में कंप्लेन वगैरह भी करवा दी है, सब कुछ लिखित वगैरह सब कुछ हो गया उसमें, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। बात ये है पैसे तो नहीं मिलने के, 6000 रुपए थे, पैसे तो नहीं मिलने के उसमें। ये देखो ये पूरा प्यारा सा मंदिर है, उनकी डेड बॉडी पहले यहाँ रखते थे, तो निशानी वो भयंकर। हाँ जी, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आए सब अच्छे होंगे, पहले तो सबको नमस्ते। तो कल रात हम आए थे डामटा में, और डामटा में हमारा हो गया था बहुत गंदा सीन, दिवस भंडारी का पर्स गिर गया। हमें वैसे तो कल लाखा मंडल जाना था, रुक गए हम डामटा, वही पर्स के गलत। अभी हम जा रहे हैं लाखा मंडल की तरफ घूमने, तो डामटा में रखेंगे, क्योंकि 26 जनवरी ने हम फुटेज वगैरह नहीं देख पाए कि किसने लिया हो, सीसीटीवी कैमरे में सब दिख जाता ना। बात ये है पैसे तो नहीं मिलने के, 6000 रुपए थे, पैसे तो नहीं मिलने के उसमें, बट क्या है कि डॉक्यूमेंट्स मिल जाते, कोई पर्स ही दे देता हमको कि भाई जी आपका पर्स ये वगैरह, वो भी नहीं मिल रहा। तो पुलिस वालों ने यही बोला कि भाई कंप्लेन कर दो, यहाँ पे कर दी वो कर दी। तो अभी ये देखो डामटा में, ये पूरा डामटा है, अभी हम जाएंगे लाखा मंडल, फिर उसके बाद आएंगे फिर दोबारा शाम को यहीं। तो बाकी तो देखो ये मेरे पीछे का सीन ये है, ये पूरा डामटा गांव है, पूरा डामटा गांव। नीचे देखो बच्चे खेल रहे हैं, और प्ले ग्राउंड में देखो इतनी इतनी कल इतनी भारी बारिश हुई, ये देखो पूरा स्विमिंग पूल बन गया है, देख रहे हो ओले पड़े हैं भाई लिटरली कल। हाँ तो भाई कैसा लग रहा है, ये चश्मा तो बढ़िया लग रहा है तेरा। वो तो बच्चे क्या खेल रहे हैं पता तेरे को, वो कंचा। हाँ कंचे खेल रहे हैं गाइस, छोटे छोटे बच्चे लगे हैं, देखो कंचा खेल रहे हैं। ओ देखो उसकी कंची वहाँ चली गई, चटका दी किसी ने, वो कंचा लेके भाग गया भाई वो छोटा। मस्त नहीं है यहाँ पे ये गाँव है गाइस, बहुत अच्छा गाँव है ना ये देखो। भाई कितनी पॉटी करेगा भाई ये बता तू, पहले दिखाई जरा वो कंप्लेन दिखाई जरा, मैंने ब्लॉग में बोला भाई कंप्लेन। अरे पॉटी छी, तुमने कितनी गंदी बदबू सारी के साले फैन चला हुआ। तो ये है देखो कंप्लेन वगैरह, सेवा में श्रीमान चौकी, ये सब पूरी फोटो कॉपी करके यहाँ स्टैम्प पड़ गया, तो अब देखेंगे। चल भाई, तो दोस्तों यहाँ से लाखा मंडल है 23 किलोमीटर, बड़कोट 37 किलोमीटर, यमुनोत्री 83 किलोमीटर। भाई साहब का पर्स किसी ने उठा दिया, या उसके जेब से गिरा, फिर वो भूल गया रखना है, मतलब उठा ही लिया है ना, सीधी से बात ये है। तो हमने बोला कि भाई क्यों मूड ख़राब करना अपना जब हम ट्रिप के लिए निकले हैं, होता रहता है ऐसा। तो अभी उस मैंने उसको बोला कि भाई सबक सीख ले बस, तेरे को कभी ऐसा नहीं रखना, गलती उसकी भी है, उसने पर्स ढंग से नहीं रखा। फिर उसकी मम्मी का भी कॉल आ गया था, तो उसके पर्स से निकल गए पैसे, पूरा पर्स निकल गया। कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, मैंने उसको यही बोला। तो ज़िंदगी में ये सब होता रहता है भाई लाइफ में। तो मैंने बोला भाई आज हमारे साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, वो पैसे कहीं ना कहीं उसके लगेंगे, अपना मूड क्यों ख़राब करना, हो गया जो हो गया। बस ये है बात, ये है उसमें DL, आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड। अब उसमें उसकी वो करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम लगेगा उसको ना, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब वो करने के लिए, मतलब 14-15 दिन तो लगेंगे ही। तो आज भी हमें वापस लाखा मंडल से वापस आना पड़ेगा, और फिर कल सुबह 10 बजे CCTV फुटेज में देखना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि आज किस्मत भी ऐसी है कि आज 26 जनवरी थी, तो 26 जनवरी की वजह से गेस्टेड हॉलीडे होती है। तो गाइस अभी एक जगह आई, तो वहाँ पे हम ड्रोन उड़ाने का सोच रहे हैं। तो यहाँ से हमको नीचे लेफ्ट को जाना है लाखा मंडल के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ये चले गया आपका यमुनोत्री और बड़कोट के लिए राइट्स वाला, जहाँ की हम कल जाएंगे, जहाँ पे ना कल जाएंगे वहाँ। और ये चले गया आपका पुल वाला जो एरिया है, ये पूरा चले गया आपका लाखा मंडल, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। चलते हैं, मौसम भी थोड़ा बहुत खराब होने वाला है भाई। भाई ये पुल कितना मस्त लग रहा है भाई। बस रोड थोड़ी बहुत ऑफ रोड हो रखी है यार यहाँ पे ना, वहाँ तक ठीक थी जहाँ से हम नीचे ये लाखा मंडल उतरे ना, वहाँ से रोड थोड़ा गड़बड़ा रखी है, कहीं पे ठीक है कहीं पे नहीं है। फाइनली पहुँच गए हम लाखा मंडल। तो ये कुछ गांव ऐसा है लाखा मंडल, पूरा लाखा मंडल है बहुत बड़ा। तो दिवस भंडारी जी बोल रहे नीचे पैदल जाने का होगा, पैदल जाने का भी होता होगा वहाँ से ना, बट अभी उन्होंने जब सड़क नहीं बनी होगी तब का रास्ता होगा, पर अब तो पूरी गाड़ी जाती है वहाँ तक की, अभी आंटी ने बोला। ये देखो भाई साहब वादियाँ ही वादियाँ। तो ये आ गया सामने मंदिर, यहाँ पे अपन लोग क्या है बाइक वाइक खड़ी करते हैं। तो गाइस पहुँच गए हम लाखा मंडल के मंदिर, यहाँ से एंट्री है। तो ये पूरा याद होगा हमने बाइक यहाँ पे पार्क करी, अब यहाँ से जाएंगे अपन लोग अंदर। भाई कितना शानदार मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है भाई। इसको मैं आगे बताता हूँ, कोई पंडित वगैरह होंगे तो उनसे पूछते हैं किससे क्या रिलेटेड है।
मैं आप लोगों को बता रहा था ना, वो वहाँ से गाड़ी लगा के लोग वहाँ से पैदल आते हैं। बाकी ये मंदिर है सामने, तो अभी यहाँ पे सब दर्शन कर रहे हैं, हम आराम से करेंगे। बहुत प्यारा मंदिर है यार। और यहाँ पे ये बजा रहा है, घर भी पहले पहले हैं। तो यहाँ पे ना ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, अभी पंडित जी ने बताया। तो हमारा प्लान तो ये था कि यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे ऊपर, पूरा ऐसा गाँव वाँव दिखाएंगे, आगे कहीं उड़ाएंगे जहाँ से पूरा गाँव वगैरह दिखेगा। यहाँ पे ड्रोन वगैरह नहीं उड़ा रहे अभी। और बाकी मंदिर ये है, ये देखो, ये पूरा प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे। अभी वहाँ करेंगे हम दर्शन उधर अंदर। तो ये है पूरा यहाँ पे। तो दोस्तों अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इनसे बाहर से जो दर्शन कर लीजिए आप भी, और मैं भी अंदर जाके दर्शन करता हूँ, फिर बाहर आता हूँ तब बात करता हूँ। ये द्वारपाल हैं। ये कौन सा वाली है? रजिस्टर के द्वारपाल हैं जो आगे लगे हुए हैं। हाथी में जब कोई मरते थे ना, तो उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे जी पहले ना। अच्छा। पल के लिए मतलब जीवित होता था। हमारे टाइम में मतलब यहाँ लाते थे ना, हम जब छोटे छोटे थे, कोई मरते थे तो यहाँ लाते थे पहले ना, बैठा थे थोड़ी देर, मतलब परंपरा थी वो। तो उनके कहने का मतलब ये है कि ये है द्वारपाल धर्मराज और युधिष्ठिर का के, सॉरी। तो पंडित जी ये बोल रहे थे कि जब कोई मरता है यहाँ गाँव में ना, जब छोटे लोग छोटे थे पंडित जी वगैरह बहुत पहले, उनकी डेड बॉडी पहले यहाँ रखते थे थोड़ी देर, की परंपरा थी, अब नहीं है कि। तो ये बोल रहे थे वो। तो देखो ये, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, इनका एक हाथ नहीं है, ऐसा क्यों, पूछना पड़ेगा ये भी। बाकी यार ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखो यार, आपने देखा होगा पूरी वीडियो में ना, बहुत मस्त बना हुआ है यार ये स्ट्रक्चर। ये बाद में बना मंदिर की पहले से ही? ये तो पांडव के टाइम का बना हुआ है। पांडवों ने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करी थी ना। कोई मंदिर है ना, इसकी खोज है गाय माता ने की। गाय माता? गाय माता आती थी जमुना नदी पास है ना। अच्छा। तो यहाँ पर जंगला होगा ना, इसकी भी वही कहानी है क्या? वो दूध देती थी यहाँ पे, वही वाली कहानी तो नहीं है? वही वाली तो है। ओहो, अच्छा, वो हर जगह कहानी है वैसे, उधर भी है, मतलब वहाँ पे भी है, एक दो जगह और है वहाँ पे भी वो गाय, वो जैसे मधुमहेश्वर में है, मधुमहेश्वर में भी है कि वो ना, इसमें गाय की वो पैर की निशानी है, वो भयंकर छोटी छोटी जगह नहीं, हाँ ये पहले से बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जंगल रहा होगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब वो गाय जो यहाँ आती थी, ये जो उनका मुंह नटराज का मुंह बना है, वो गाय के उसमें ऊपर है जो, वो भी गाय का कुआ है ना। पैर जो जंगल है ना, वो लाखी जंगल है, वो वहाँ मतलब अमृत की कुएं बताते हैं। अच्छा। हाँ, जो जमुना पार नहीं है जंगल। हाँ, जमुना पार जंगल, लाखी जंगल है वो। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये नाकमंडल आते हैं ना, तो यहाँ पे गुफा है एक नीचे, वो हाँ नीचे वो किस चीज की गुफा है? वही तो है पांडव गुफा है। अच्छा। पांडव गुफा हुई तो यहाँ से मतलब पांडव लोग उधर निकले। अच्छा। ऐसे सुरंग बताते हैं ना, उधर निकलती है गुफा में, ये गुफाएं बनी हुई चारों तरफ, ये वाली बना हुआ ऊपर ईंटों का वो सामने, वो भी गुफाएं बनी हुई, दो मंजिल गुफाएं। तो वो पैदल रास्ता है कि गाड़ी जाती है? गाड़ी जाती है पार तक, ऊपर नीचे है गुफा ना पानो। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बात के नहीं है? नहीं बात के नहीं है, सब पत्थर देखो नहीं, सही भाई, भारी बहुत होंगे ना ये उठाने में। बापरे बाप। गाइस ये है यहाँ पे, भाई कितना प्यारा लग रहा है ये वाला, ये होम से आएगा कि घर होगा। अभी बाकी ना पंडित जी को उधर लेट हो रही है, जो बोगना जी पंडित हैं इनको तो लेट हो रही है, इनको जाना है जल्दी। तो वो जो उधर हैं वाले, वो अभी थोड़ा व्यस्त हो रहे हैं, उनसे पूछेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, उनको उनसे नॉलेज ले लेंगे थोड़ी बहुत, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बट भाई मैं तो ये चीज शॉक हो गया, नॉलेज आप दे देना कमेंट्स। मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश गौड़, राम लाखन के रहने वाले, हम यहाँ के पुजारी हैं। ये मंदिर जो है द्वापर युग में जो है, जैसे 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास, तो अज्ञातवास वाला समय जो यहाँ पे पांडवों ने बिताया था, उन्होंने क्या कम से कम 300 मीटर के दायरे में यहाँ पे 100 लाख शिवलिंग और 33 कोटि देवी देवता और 4 युग शिवलिंग की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई है। ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि जैसे त्रेतायुग का लाल रंग का है, द्वापर का हरे रंग का है, और सतयुग का जो है सफ़ेद रंग, और कलयुग का काले रंग का। और फिर इस मंदिर का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो मेन पुराना, इस पे क्या है कि गाय के जो है पांव के निशान डिजाइन में डाले हुए हैं। तो फिर गाय ने ही इस मंदिर की खोज की, नदी पार से गाय आती थी और दूध की धार चढ़ा के जाती थी, तब इस मंदिर का पता चला, तब से हम लोगों को यहाँ पे पुजारी लाए गए। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या है कि जो बगल में जो दूसरा मंदिर है वो है युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा, जो बड़ा शिवलिंग है, ये बड़ा शिवलिंग देख रहे हैं आप पीछे, तो ये धर्मराज का स्थापना की है युधिष्ठिर महाराज जी ने। तो इनके आगे जो द्वारपाल हैं जय और विजय,
अच्छा। पीछे ना एक देव रूप में है, एक दानव रूप में है। तो यहाँ क्या परंपरा थी पहले, नहीं मंडलेश्वर महादेव की, जो आदमी एक बार मर जाता था उसके दोबारा जो है पल भर के यहाँ पे प्राण उनमें डालते थे धर्मराज के सामने। क्यों कि पहले क्या होता था कि हर आदमी बैकुंठ को जाता था, तो जैसे कभी किसी ने भगवान का नाम ही ना लिया हो ऐसा होता है ना, तो क्योंकि बिना नाम लिए तो मोक्ष मिल नहीं सकता। तो उसमें क्या है कि पल भर के लिए प्राण डालने पे उनसे जो है भगवान का नाम कहलवाते थे, तब जाके जो उनको मोक्ष मिलता था। और फिर उसे आगे जो है मतलब नए खुदाई में जो है निकले हैं शिवलिंग पीछे, और एक फिर यहाँ पे अद्भुत चित्रण महादेव है जिनमें जल चढ़ाने पे अपना प्रतिबिंब दिखता है। अच्छा। वो 1972 में निकले पीछे खुदाई में, हमारे यहाँ सपने में आया था ना एक। अच्छा। तब जाके उनकी जो है खुदाई स्थापना तब की है द्वापर की। द्वापर देखिये दबे थे बाढ़ आने से, सपने में आया उनको, उनको भगवान ने ऐसा लालच दिया कि आप जाएं और वहाँ पे आपको जो है धन मिलेगा। पुजारी थे, पुजारी हरि नाम का व्यक्ति था। अच्छा। तो क्या है कि फिर वो रात को गया, उसने खुदाई की तो देखा कि वहाँ पे जो है भगवान शंकर जी प्रकट हुए। तब दूसरे दिन पूरा गांव गया, सबने खुदाई की तो जो है वो अष्टदलों पे निर्मित है, वो है अद्भुत चिंतारण महादेव। अष्टदलों को आप थोड़ा अष्टदल होते हैं ना, जो दल बने होते हैं ना, जो कहता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जैसे हर शिवलिंग जो अलग उसमें है वो अष्टदलों पे कोने नहीं होते बने हुए, कोने होते हैं जो है वो निर्मित है। ये लाखा मंडल है जो आखिरी गांव है कि इसके आगे भी कोई गांव है ना? इससे आगे तो फिर अब ये हमारा जो है जौनसार का लास्ट है, ये देहरादून जिला है, वो सामने उत्तरकाशी है। तो इससे ऊपर हमारे पूरा ये 24 गांव की अपने पट्टी है। अच्छा, अच्छा। हमारा जो है इसके बाद कोई गांव नहीं है? नहीं, गांव तो बहुत है और आगे। अच्छा, है रास्ता जाता है? हाँ हाँ, यहाँ से चकराता है 65 किलोमीटर है। अच्छा जी, एक चीज मैं और पूछना भूल गया, इसका नाम लाखा मंडल क्यों है? इसका नाम इसलिए लाखा मंडल है कि यहाँ पे जो लाखों मूर्ति स्थापित है। अच्छा, बहुत पहले से। एक नाम लाखमंडल है, दूसरा नाम यहाँ का मड़ा है, मड़ा यानी मंडलेश्वर महादेव, जो आदि मर जाता था वो दोबारा जीवित होता है, इसलिए दोबारा दूसरा नाम मड़ा बोलते हैं। मड़ा, मड़ा यानी लाखमंडल और मड़ा, मड़ा दो नाम है मंडलेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा, आदमी जो एक बार दोबारा जीवित होता था उसकी वजह से मड़ा नाम पड़ा, और जो लाखमंडल वो लाखों मूर्ति थे। दोस्तों कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट? मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये पूरा ऊपर से दिख रहा था लाखा मंडल। अभी का सीन है, अभी हम वापस जाएंगे डामटा जहाँ कल रात रुके थे, तो आज हम वहीं रहेंगे, कल का प्रोग्राम देखेंगे, बताएंगे सूर्य जैसा भी होगा। और अभी कुछ भूख भूख लग रही है तो बीच कहीं रास्ते में रुकेंगे मैगी वैगी खाने।